Good morning, class. Today we are going to discuss natural language processing, NLP. We have explored two domains of AI, data science and the computer vision. हमने इससे पहले data science and computer vision ये हमने पढ़ा है. इसे हम discuss करेंगे दोनों को deeply. लेकिन अब इन दो डोमेन्स के बाद में एक हमारा थर्ड डोमेन आता है एनएलपी. अगर हम डेटा की बात करें तो डेटा साइंस में जो हमारा डेटा था, डेटा साइंस में टेबलर फॉर्म्स में या फिर नंबर्स के फॉर्म में था. इसमें हमारा या तो नंबर्स थे, नंबर्स या टेबुलर डेटा. और हमारे कंप्यूटर विजन में इमेजेस एंड वीडियोज. Now, the NLP, Natural Language Processing, इसमें हमारा क्या होगा? Data हमारा होगा, which human uses in their daily life and operate on this. NLP में हमारी Natural Language होगी, Natural Language, which we use or human use, which we use. In our daily life and operate on them. जो हम अपनी daily life में language use कर रहे हैं, natural language we use in our daily life और उसी पे operate कर रहे हैं, उसी पे हमारा क्या होगा? NLP होगा. डेटा साइंस नंबर्स एंड टेबुलर डेटा पे हो गया और कंप्यूटर हमारा होगा इमेजेस एंड वीडियोस के लिए. तो इसका जो डेटा है वो क्या है? हमारा, हमारी लैंग्वेज जो हम यूज कर रहे हैं. एनएलपी इज द सब फील्ड ऑफ एआई दैट इज फोकस्ड ऑन इनेबलिंग कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेजेस. एक हमारा ये जो एनएलपी है ये हमारा सब फील्ड है. किसका? सब फील्ड ऑफ AI. AI का सब फील्ड है जो हमारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस पे वर्क कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स के लिए वर्क कर रहा है और प्रोसेस कर रहा है हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को, ताकि हमारा कंप्यूटर उसे समझ सके या फिर हम उस कंप्यूटर की लैंग्वेज को समझ सके या उसको अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम कर सके AI के फील्ड में. तो AI इज द सब फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग एंड आर्टिफिशियल कंसर्न विद द इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स एंड द ह्यूमन लैंग्वेज. यानी हमारी लैंग्वेज में और कंप्यूटर के बीच में जो हमारा एक सब फील्ड है इन सबको समझने के लिए, वो दिस इज द AI. AI हमारा क्या वर्क कर रहा है? एक सब फील्ड है हमारा. किसके बीच में? हमारी लैंग्वेज में और कंप्यूटर में, ह्यूमन लैंग्वेज एंड द कंप्यूटर. इन प्रोसेस टू ऑपरेट विथ नंबर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. हमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करना है, उसको आउटपुट लेना है, उसके लिए प्रोग्राम बनाने हैं, तो उसके लिए हम ह्यूमन लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं. लेकिन कहीं ना कहीं आपको हमें पता ही है कि कंप्यूटर जो है ह्यूमन लैंग्वेज यूज नहीं करता. क्या करता है? वो अपनी लैंग्वेज में उसको एनकोड करता है. तो वही लैंग्वेज में करने के लिए दिस इज द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी. एनएलपी को ज्यादा डीपली जानने के लिए एक आपको बुक में पेज नंबर 99 में एक गेम गिवन है, मिस्ट्री एनिमल. तो मिस्ट्री एनिमल पे एक आपको लिंक गिवन है, ये आपको उस पर क्लिक करना है और इस गेम को आज आप प्ले करेंगे और मुझे नेक्स्ट वीक बताएंगे कि इसमें आपको क्या न्यू आपने सीखा. इट मीन्स एनएलपी का मीन्स ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही बना है हमारा गेम. इस गेम में क्या है मैं आपको बता देती हूँ. मिस्ट्री एनिमल का मीन्स ये है कि आपको डिफरेंट क्वेश्चन इसमें पूछेगा, क्वेश्चन हमारे लैंग्वेज में होंगे, आंसर भी हम उसी में देंगे. तो इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज है उसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अपने एआई को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. इट मीन्स हमें क्या करना है, इस गेम को प्ले करेंगे, प्ले करने के बाद उस एनिमल का वो नेम हमें बताएगा जिसके हमारे जो हम डायमेंशन या कुछ हम बता रहे हैं कि इट हैज अ टेल, या उसका उसके दो कान हैं, या फिर उसके बॉडी पे फर्स है, हेयर्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर्स देंगे. जैसे जैसे वो हमसे क्वेश्चन पूछेगा हम ऐसे ऐसे उसको आंसर देंगे, देन वो हमें क्या बताएगा, उस एनिमल का नेम बताएगा. इट मीन्स लैंग्वेज हमारी थी ह्यूमन लैंग्वेज, देन उसने क्या करा, उसको रिकॉग्नाइज किया
चेंज किया नेचुरल लैंग्वेज को, प्रोसेस किया, देन हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज कन्वर्ट होने के बाद हमें पता चला उसका आउटपुट, यानी मिस्ट्री एनिमल हमें पता चला, उसने हमें आंसर दिया. नेक्स्ट इज योर एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस एप्लीकेशन ऑफ NLP. इसकी हमारी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होंगी, क्या क्या होंगी. सिंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाउ आर बिकमिंग अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इट्स एप्लीकेशन आर वेरी कॉमनली यूज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स इन आर डेली लाइफ. आपको पता ही है कि हम हर जगह आप AI या इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं, तो हर एक फील्ड में वैसे तो ये हमारा यूज हो रहा है, और एक ये हमारे लाइफ का एक ऐसा पार्ट बन गया है जिसकी हमें नीड है ही है. तो कुछ हमारे कुछ रियल लाइफ के इसके एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम इसे यूज कर रहे हैं. रियल लाइफ सिनेरियोस, ऑटोमेटिक समराइजेशन, ऑटोमेटिक समराइजेशन. नेक्स्ट सेंटिमेंट एनालिसिस. नेक्स्ट टेक्स्ट क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट वन इज वर्चुअल असिस्टेंट. आपकी एप्लीकेशंस हैं जो हमारे रियल लाइफ सिनेरियोज में अभी फिलहाल हम देख रहे हैं, ये हमारी हैं ऑटोमेटिक समराइजेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, वर्चुअल असिस्टेंट. तो देखिए ये हमारी एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक समराइजेशन. इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड इन अ रियल प्रॉब्लम व्हेन वी नीड टू एक्सेस स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ यूज्ड डेटा. ऑटोमेटिक समराइजेशन इज रिवेलेंट नॉट ओनली द समराइजेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड द इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द इमोशनल मीनिंग विद द इंफॉर्मेशन सच एज कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम मीडिया. देखिए ऑटोमेटिक समराइजेशन, जितना भी हमारा डेटा है, जितना भी हमारा डेटा हम यूज कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसका समराइजेशन हमारा क्या है, ऑटोमेटिक समराइजेशन. लेकिन ये ऑटोमेटिक समराइजेशन कलेक्शन ऑफ डेटा ही नहीं है, क्या है, हमारे इमोशंस के साथ भी है. जितने हमारे इमोशंस, इमोशनल जो हमारा डेटा होगा, इंफॉर्मेशन होगी, उससे भी रिलेटेड है. नेक्स्ट है आपका सेंटिमेंट एनालिसिस. The goal sentiment analysis, ये हमारा कस्टमर के लिए कि हमने जो सेल आउट करना है या फिर हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो हमारे इमोशंस के लिए कि जब हम सिर्फ उस पर ही ना करें, इमोशंस पे ही ना जाएं, बाकी उसको थोड़ा सा इमोशन से अलग उसको एनालिसिस किया जाए. नेक्स्ट वन इज योर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन. टेक्स्ट क्लासिफिकेशन make it possible to assign predefined categories to a document and organize it to the help with the find the information you need or simply want some activity. An application of text categorizing in spam filtering and email. yani text classification ka means hai sabko alag alag karna. jo hamara text hai aapne dekha hoga, jo hamara mail hai gmail aapne dekhi hogi, to usme three category hamari aane lagi hai. ek to promotion hota hai, ek hamara public hota hai, ek hamara social hai. यानी तीन उस पर आते हैं, तो इट मींस वो हमारा होगा टेक्स्ट क्लासिफिकेशन. अपने डॉक्यूमेंट को क्लासिफाई करना अपने नीड के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट वन इज योर नेचुरल असिस्टेंट. नाउडेज गूगल, आपने देखा होगा बीच बीच में कुछ रोबोट्स आपके कुछ आते रहते हैं, एलेक्सा हो गया, कोर्टाना हो गया, तो ये हमारे कुछ पार्ट है जिनकी हेल्प से हम अपना डेटा को एक्सेस करते हैं. तो वो हमारे क्या हो गए, वर्चुअल असिस्टेंट हो गए. वर्चुअल, जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को सर्च करते हैं या हमें किसी और की नीड है अपने वर्क को करने के लिए, दीज आर द वर्चुअल असिस्टेंट. एनएलपी कैसे स्टार्ट होगा, सेम वही प्रोसीजर है जो एआई हमारी साइकिल है. एआई साइकिल के हमारे 5 पॉइंट्स हैं, प्रॉब्लम स्कोपिंग, एआई साइकिल, एआई प्रोजेक्ट साइकिल. इसके आपके 5 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम स्कोपिंग, प्रॉब्लम को जानना. नेक्स्ट
डेटा एक्विजिशन, नेक्स्ट डेटा एक्सप्लोरेशन, फोर्थ वन इज मॉडलिंग, नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन। प्रॉब्लम स्कोपिंग, आपने अपने प्रॉब्लम को जाना कि क्या था, कैसे था, क्यों था, चलो हमने जान लिया। देन हमने क्या करा, डेटा एक्वाइज किया, डेटा को एक्वाइज किया, डेटा कलेक्ट किया कि प्रॉब्लम जो हो रही थी उसके लिए हमारा डेटा क्या था, या प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना है, डेटा की नीड है। देन हमारा डेटा को हमने एक्सप्लोर किया, डेटा कहाँ से एक्वाइज किया, हमने सर्वे किया, ऑब्जर्वेशन किया, डेटाबेस अपने इंटरनेट से हमने सर्च किया या न्यूज इंटरव्यू से लिया। देन हमने क्या करा, डेटा को एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने का मीन्स है उसमें कुछ एडिशन किया, उसका एआई मॉडल किया, या उसको हम कह सकते हैं उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, उसमें हमने डेटा में थोड़ा एक्सप्लोरेशन यानी मॉडिफिकेशन किया। देन हमने क्या करा, उसको मॉडलिंग कर दिया। मॉडलिंग मीन्स उसको हमने एनएलपी से जोड़ दिया, एनएलपी से जोड़ दिया, कुछ हमने कुछ ऐसा उसमें मॉडलिंग किया, कुछ एआई से इंटेलिजेंस से हमने उसको जो जैसे पहले था उसमें थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, एआई हम इसे ले आए, इंटेलिजेंस में ले आए। देन हमने क्या करा, उसका इवैल्यूएशन किया। इवैल्यूएशन करने के बाद हमने पता करा कि जो पहले प्रॉब्लम थी क्या वो इवैल्यूएट हो गए, या हमने वो सॉल्व करी या नहीं करी, तो हमने इवैल्यूएशन किया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, आगे फर्दर आपको कुछ पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं। इवैल्यूएशन के लिए काफी बहुत बड़ा सा आपको टॉपिक्स है, इसका बहुत बड़ा टॉपिक है, इवैल्यूएशन कैसे कैसे करते हैं, प्रिसीजंस हैं, F1 स्कोर है, और कैसे कैसे हम अपने डिसीजन को मेक कर सकते हैं, ट्रू प्रिसीजन है, फॉल्स प्रिसीजन है, ये सारी चीजें हम इसमें आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज योर चैट बोट। ये आपके टू टाइप, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन मेनली हमें पढ़ने हैं सिर्फ टू, स्क्रिप्ट एंड स्मार्ट। वी हैव स्टडीड इन लास्ट क्लास द स्टोरी स्पीकर। इट इज रिलेटेड टू दैट, ये आपस में रिलेटेड हैं, और जो हमारे चैट बोट है ये इससे रिलेटेड है, स्टोरी स्पीकर के। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। इफ वी आर गोइंग इन टू द म्यूजियम ऑफ बिग म्यूजियम, एक एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, और हमें उस म्यूजियम का मतलब हमें देखना है वो म्यूजियम, तो हमें क्या करना है, एक स्टोरी स्पीकर उसके लिए बनाना है। ये चैट बोट या स्क्रिप्ट हमने ऐसी बनाई है कि मैं एंट्री वहां पे करूँ तो वो मुझे इंस्ट्रक्ट करे कि मुझे अगर मैं लेफ्ट जाती हूँ तो मैं कहाँ जा रही हूँ, या मुझे क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, या मैं राइट में जाती हूँ तो फिर मुझे क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो दिस इज द स्टोरी स्पीकर, वो आपका क्या होगा, स्टोरी स्पीकर होगा। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होगा, स्क्रिप्ट बोट एंड स्मार्ट बोट, दोनों को लिख लेते हैं, स्क्रिप्ट बोट एंड स्मार्ट बोट। इट इज इजी टू मेक इजी, इट इज फ्लेक्सिबल और पावरफुल, फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल। स्क्रिप्ट बूट वर्क अराउंड अ स्क्रिप्ट विच इज प्रोग्राम इन दैट, ये सिर्फ उसी में वर्क करेगा जो स्क्रिप्ट बनी है, स्क्रिप्ट जो हमने लिख दिया ये उसी पर वर्क करेगा, स्क्रिप्ट विच प्रोग्राम। नेक्स्ट ये हमारा क्या करेगा, वर्क ऑन बिगर डेटाबेस अदर रिसोर्स डायरेक्टली, ये हमारा बिगर
डेटाबेस पे वर्क करेगा। जरूरी नहीं है कि हम इसको प्रोग्राम ही करें या प्रोग्राम जो हमने किया होगा, जो हमने स्क्रिप्ट बनाई होगी उस पर वर्क करेगा, नहीं, ये ऑल ओवर कहीं से भी अपना डेटा दे सकता है, कहीं से भी इस पर वर्क करेगा। नेक्स्ट, मोस्टली दे आर फ्री एंड इजी टू इंटीग्रेट टू अ मशीन प्लेटफॉर्म। ये आपके फ्री हैं और इजी टू लर्न है, फ्री एंड इजी टू लर्न। इट यूजेस लार्ज डेटा, लर्न विद मोर डेटा, लर्न विद मोर डेटा। लास्ट आपका इसका पॉइंट है, नो और लिटिल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्किल्स, कोडिंग इज रिक्वायर्ड टू टेक दिस अपॉन बोर्ड। इसमें आपको सिंपल लैंग्वेज ही यूज करनी है, लैंग्वेज में ही लिखने हैं सेंटेंसेस अपने जैसे हम लिखते हैं, लैंग्वेज यूज करनी है, लैंग्वेज स्किल्स। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोडिंग करनी होगी, इसके लिए हमें कोडिंग। लास्ट है इसका लिमिटेड फंक्शंस, इसमें कितने क्या होंगे, लिमिटेड फंक्शंस होंगे, लेकिन स्मार्ट में वाइड फंक्शंस होंगे, यानी इसके फंक्शंस वाइड होंगे, वाइड फंक्शंस। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्क्रिप्ट बूट एंड द स्मार्ट बूट।